तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सर कॉलेज का, बताया कि हैं? इसी तारीख को अगले वर्ष। नहीं गलत गलत गलत, जनरली क्यों राजनीति क्यों, मैंने स्कूलों का कराया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव राजनीति का ऐसा नाम जिसने स्कूल के अध्यापक से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री तक का सफर पूरा किया, लेकिन इस राजनीतिक सफर में कुछ पल ऐसे भी रहे जिनकी चर्चा हमेशा की जाती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। जब 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत मिला तो उस वक्त मुलायम ने अपने परिवारजनों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री की शपथ के लिए पंडित से समय पूछा, लेकिन उसी वक्त वे सभी को चौंकाते हुए पंडित से कहते हैं कि बेटा अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के योग और समय को भी देख लीजिए। और ये बात सुनते ही यादव परिवार और सपा के कई कद्दावर नेताओं के बीच चर्चा गर्म हो जाती है कि क्या मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र मोह में है। लेकिन इस पिता पुत्र के रिश्ते के अलावा मुलायम सिंह का अखिलेश यादव से एक रिश्ता और रहा, और वो था राजनीतिक गुरु का। वही राजनीतिक गुरु जो अखिलेश की शादी के कुछ समय बाद फोन करके कहते हैं कि सैफई वापस आ जाओ, तुमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन गुरु तो आखिर गुरु होता है, जहां प्यार दिखाता है तो वहीं फटकार भी होती है, और मुलायम तो अपने राजनीतिक मिजाज के लिए अलग से जाने जाते थे। बस ऐसा ही मौका देखने को मिला था 2015 में, जब मैनपुरी में सैनिक स्कूल के शिलान्यास के कार्यक्रम में मुलायम पहुंचे हुए थे, लेकिन शिलान्यास की बात पर वे मंच पर ही बिफर गए। मुलायम ने भरे मंच से उस समय मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को बुलाकर कहा कि हम सैनिक स्कूल के शिलान्यास के पक्ष में ही नहीं थे, मैंने कह दिया था हम पक्ष में थे उद्घाटन के। तो मुख्यमंत्री बताएं कि कब उद्घाटन करेंगे सैनिक स्कूल का, यहां आकर बताएं, शिलान्यास तो बहुत से हो जाते हैं। सैनिक स्कूल तो दे दिया है, लेकिन सैनिक स्कूल को शिलान्यास के पक्ष में नहीं थे, मैंने अभी कह दिया हम पक्ष में थे उद्घाटन के। तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सैनिक कॉलेज का, बताया कि बताइए ऐसे कैसे हो जाएगा, बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ कहीं के, बताओ आप कब चाहती है, हम आप बताइए तब बताइए। इसी तारीख को अगले वर्ष है, इसी तारीख को अगले वर्ष। नहीं गलत गलत गलत, आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात, देर रात कितने होते हैं, जनवरी क्यों रात में क्यों, मैंने स्कूलों का कराया, हमने एक एक महीना के अंदर पुल मनवाए, आप तय करते हैं, हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना, 8 महीने हो जाएगा। भले ही मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव से उनके राजनीतिक गुरु और एक पिता के रिश्तों की चर्चा हमेशा की जाती रहेगी कि कैसे वे अपनी सत्ता अखिलेश को सौंपते हैं, और राजनीतिक गुरु के होने के नाते अखिलेश को मंच से फटकार भी लगाते हैं और सीख भी देते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के सामने 2024 की चुनौती साफ है, और अखिलेश यादव के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश राजनीतिक पिच पर क्या कुछ कमाल दिखाते हैं। मुलायम सिंह यादव से जुड़े ऐसे ही किस्से जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।